फ्रेंड्स, मैं बिमला, टीम हिस्ट्री केमिस्ट्री से। हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अक्सर लोगों को नींद आने लगती है। क्या हिस्ट्री इतनी ही बोरिंग है? आइए जानते हैं। हिस्ट्री शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या हिस्ट्री सब पास्ट सब कुछ like, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अंग्रेज़ों का भी आता है, हमारी जो ये वर्ल्ड वार हुए थे वो भी आता है, और जो ये हमारी लड़ाई हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए वो सब, एंड वही आंदोलन टाइप गांधी जी। हिस्ट्री सुनकर जो पास्ट भी हम लोगों का, मतलब जिससे हम कोई नॉलेज ले सकते हैं, जिससे हम प्रेजेंट में काम, मतलब इंटरप्रेट करें कुछ चीज़, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ करना हो उसे इंटरप्रेट करें, वही हिस्ट्री है। जो पास्ट से वो जो नॉलेज मिलता है वही पास्ट से जो नॉलेज है। इतिहास को अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबा इतिहास रहा है हमारे भारतीय संस्कृति का। प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत के परिवेश में हम बहुत कुछ देखते हैं इंडिया में। वैसे इतिहास लेखन सामग्री में कहा जाए तो कहा जाता है कि भारतीयों को उतना नॉलेज नहीं है जितना अदर लेखकों को था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 आल्सो। बोरिंग इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, एंड यस बोरिंग, इट्स हार्ड टू रिमेम्बर द डेट्स। इतिहास अगर कोई कहता है तो उस चीज़ को बड़े उत्सुकता से मैं जानने की कोशिश करता हूँ अपनी व्यक्तिगत राय। इतिहास तो किसी भी चीज़ में जो है उसके बारे में जानने की जो कोशिश होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट, मतलब हिस्ट्री नाम सुनते ही एक ऐसा इवेंट जो आपके दिमाग में आता है। भारत पाकिस्तान के बीच की वार्स, कारगिल हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एंड डेस्टिनी वगैरह जो भी, अकबर बिल, अकबर वगैरह की ये सारी जो भी होती है। ओके, वो जो स्पीच दिया था ना जवाहरलाल नेहरू इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में, इन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द होल वर्ल्ड विल बी स्लीपिंग, दैट इवेंट comes in my mind first. 1857 revolution के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जलियांवाला बाग में इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। मेरे दिमाग में इस प्रकार से तो कुछ नहीं है, मगर मेरा खुद ही अपना जीवन ही ऐतिहासिक बन गया। मैं कुछ लिख भी रहा हूँ मगर अभी वो अधूरा है, और बाकी मैं कविता वगैरह सब ये तो मैं लिखता ही हूँ। हिस्ट्री में से कोई एक ऐसा पर्सनालिटी जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया? चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे। इसके मतलब जो थॉट्स से, मतलब उसके जो व्यू पॉइंट से, शांति से काम रखना चाहिए, किसी भी मतलब कठिन सिचुएशन जो भी आए उसे मतलब शांति से, ध्यान से काम रखना चाहिए, यही मुझे इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, विवेकानंद, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और समाज के उत्थान के लिए काम किया, उनसे उनके जो है मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह ही जो है ना कि वो आगे काम करें और देश हित में काम करें, समाज का उत्थान करें। इस चीज़ को मैं अपने जहन में भी जो है कोशिश करता हूँ कि जो है इस प्रकार से मैं अपने जीवन को जीऊँ। हाउ लाइकली वुड यू रेकमेंड हिस्ट्री टू अदर्स? History is a good subject, but it is like if you feel it, then you get then you feel more interested in studying, right? So as a person, I never liked history because I was never so much interested. But for everyone, I suggest that they should know what all things needs to be done and why we are living a very helpful life, very good life, with just because of all the persons who have sacrificed their life in the past. Right. So I recommend all persons should read history at least once in a while. Yeah, even for me, like I'm interested in reading history as a hobby, not as a subject. Okay. Like I would prefer to read whatever I like. It's not course wise.
So whatever I wish I can read, but if it's in my syllabus, then it's a compulsion to read only the, you know, prescribed syllabus, which I don't like about it. Recommend मतलब career तो इसमें है मतलब professor या teacher. इसके अलावा बहुत ज़्यादा तो career option history में है नहीं या फिर archaeologist. तीनों career option है. लेकिन आप अगर साइंस को देखो तो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं. इसीलिए मतलब पढ़ने के लिए ठीक है, बट इफ यू मेक वन टू मेक अ करियर ऑन हिस्ट्री, आई वुड प्रेफर साइंस. मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे भी अच्छी नहीं लगती. तो मैं ऐसा है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो पास्ट जानने में तो ठीक है बस. लेकिन जब मैं भी जब कभी हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मैं बस पढ़ती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कोई पूछेगा तो मैं आंसर नहीं कर सकती. एक्चुअली मेरे पिताजी तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से ही थे, लेकिन मैंने लिया नहीं. अगर आने वाले फ्यूचर में मैं बच्चों को बोलूँगा कि हिस्ट्री पढ़े, ताकि उसको पूरा. एक्चुअली हिस्ट्री क्या है ना कि मतलब हिस्ट्री पढ़ने के बाद आदमी को इतना नॉलेज हो जाता है कि मतलब क्या हमारे पीछे घटनाएँ घटी हुई, और उससे सीख लेकर के वो बच्चे चाहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, हिस्ट्री की नॉलेज सभी को लेनी चाहिए. उससे हमारे देश का भूतकाल आई मीन पास्ट पता चलता है कि यहाँ क्या हुआ. उससे इंस्पायर हो सकते हैं हम लोग, या पहले का कैसा धर्म, क्या रिचुअल वहाँ की थी, संस्कृतियाँ वगैरह या रीति रिवाज, हम उन्हें सीख सकते हैं. इसीलिए इतिहास की जानकारी आई थिंक सबको होनी चाहिए. मैं तो अगर वो 100% से ऊपर की बात होती तो मैं उससे ज़्यादा रिकमेंड करता, मगर 100% तो मैं करूँगा ही करूँगा. और इतिहास तो किसी भी चीज़ में जो है उसके बारे में जानने की जो कोशिश होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ. और उसको जो है अमली जामा भी. इतिहास तो जो है हमारे को जो है हमारे पूर्वजों की या हमारे देश में जो हुए घटनाचक्रों के बारे में जो है वो जानकारी देता है. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इतिहास को लेके हमें बहुत ही मिक्स्ड व्यूज देखने को मिले. कुछ लोगों को ये बोरिंग लगा तो कुछ लोग इसे हाईली रिकमेंड भी कर रहे हैं. जिन लोगों को इतिहास बोरिंग लगता है, और अपने व्यूवर्स से भी बस एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या इतिहास बोरिंग है या फिर उससे पढ़ाने के तरीके? जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. हेलो फ्रेंड्स.